हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्री फायर में आने वाले न्यू इवेंट्स के बारे में। तो आज का हमारा पहला इवेंट है लेवल अप शोक। मैं आपको बता दूँ इस इवेंट में करना क्या होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक स्पिन मारने का ऑप्शन आ रहा है। हमें इसमें स्पिन मारना होता है। हमने जैसे स्पिन मारते हैं, हमको 74% का डिस्काउंट देखने को इसमें मिल जाता है। और इसका सेकेंड लेवल अनलॉक है और थर्ड लेवल भी। जैसे आप ये जो आपको 129 का बाय करने को दिखा रहा है, आप इसको बाय कर लेंगे, आपका सेकंड लेवल अनलॉक हो जाएगा और उसमें भी 3-4% आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इस ये डिस्काउंट आपका 74% में ऐड हो जाएगा। और ऐसे ही प्रोसेस आपका थर्ड लेवल में होगा और उसमें भी आपको 3-4% देखने को डिस्काउंट मिलेगा। वो भी अगले वाले डिस्काउंट में ऐड हो जाएगा। इससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को इस इवेंट में मिल जाता है। इससे आप तीनों आइटम, लीजेंडरी आइटम परचेज कर सकते हैं। और ये जो दूसरी आइटम्स हैं, जैसे कि ये कस्टम रूम हो गए, इनक्यूबेटर वाउचर हो गए, ग्लू वॉल हो गई, ये भी आप इसमें खरीद सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की ओर। तो नेक्स्ट इवेंट हमारा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें हमें क्या क्या दिखाया गया है। इसमें हमें एक बंडल बंडल दिखाया गया है, पैट दिखाया गया है, मोस्टर ट्रक, दो मैजिक क्यूब और रिमोट और गन्स की कुछ स्किन दिखाई गई हैं। ये हमें मिलेंगी दिवाली इवेंट के ड्यूरिंग। हाँ, दिवाली इवेंट के ड्यूरिंग के आसपास मिलेंगी। जैसे कि आपको मैं आगे बताता हूँ कि कौन सी डेट को कौन सी आइटम आपको मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो हम बढ़ते हैं आगे। आप जैसे देख सकते हैं, वेक्टर की स्किन और ये पैट की स्किन आपको 7 से 20 तारीख के बीच में मिल जाएगी। 7 से 13 तारीख के बीच में आपको बैक की स्किन और 8 से 9 तारीख के बीच में आपको, मतलब जो कि हो गई है, मिल भी चुकी है लूट बॉक्स की स्किन। और ये ट्रक की स्किन आपको 14 से 21 तारीख के बीच में मिलेगी। पर हाँ, ये जो ग्लू वॉल देख रहे हो आप स्क्रीन पर, ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा। ये तो आपको शायद या तो किसी फेडेड बीड में मिलेगी ग्लू वॉल, या फिर आपको मिलेगी ये टॉप अप इवेंट में। इसके ज़्यादा चांस है टॉप अप इवेंट में आने के। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जो मैं बोल रहा था कि अनलिमिटेड मैजिक क्यूब आपको मिलेंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आपको 19 से 24 तारीख के बीच में और उससे पहले भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप गेम खेलोगे, उसके ड्यूरिंग आपको देखने को मैजिक क्यूब मिलेंगे। और ये जो आप टी शर्ट देख रहे हो, ये आपको लॉग इन करने पर मिलेगी। और ये जो लाइट रॉयल है, लाइट रॉयल आप देख रहे हो, ये आपको फ्री में नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको जैसे कोबरा बंडल आया था ना, हाँ सेम वैसे ही देखने को मिलेगा। इसमें आपके बहुत से डायमंड लग सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा होगा स्केटबोर्ड, ये आपको फ्री मिलेगा लॉग इन करने पर। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आपको फिर से बता दूं, आपको जो मैजिक क्यूब मिलेंगे वो गेम खेलने के ड्यूरिंग ही मिलेंगे। और आपको बता दूं, 24 तारीख को आपको 5 इनक्यूबेटर वाउचर मिलेंगे प्ले करने पर, मतलब खेलने पर। और एक नेम चेंजिंग कार्ड मिलेगा और मैजिक क्यूब मिलेंगे, ठीक है। और आपको 4 इनक्यूबेटर और मिलेंगे, पर वो 4 घंटे का चैलेंज होगा। जैसे मिलते हैं ना आपको चैलेंज, ये किल करने होते हैं, आपको किल करने होते हैं, हेडशॉट मारने होते हैं। उस चैलेंज पर आपको ये P90 की स्किन मिलेगी, 4 इनक्यूबेटर मिलेंगे और ग्रेनेड की स्किन मिलेगी। और पैन की स्किन आपको 24 तारीख को लॉग इन करने पर मिलेगी। और 25 से 28 तारीख के बीच में आपको ये जो ग्लू वॉल की स्किन दिख रही है, ये आपको लॉग इन करने पर या फिर गेम खेलने पर मिल सकती है, मिलेगी फ्री पर। आई होप आप सभी को इवेंट्स के बारे में पता लग गया होगा और इन सब इवेंट्स के आइटम को क्लेम कैसे करना है ये भी पता लग गया होगा। तो आपको मैं बता दूं, आप अनलिमिटेड मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट गेम खेलकर ले सकते हो और उसे आप रिडीम कर सकते हो मैजिक क्यूब से। आपको अनलिमिटेड मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट मिलेंगे जिससे कि आप मैजिक क्यूब रिडीम कर सकते हो। आपको मैच के हिसाब से, जैसे आप खेलोगे, आपके प्ले गेम प्ले के हिसाब से आपको मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट देखने को मिलेंगे। अब आपको देखने को मिल रही है ये ग्लू वॉल। ये ग्लू वॉल आपको 25 से 28 के बीच में देखने को मिलेगी। और ये ग्लू वॉल आपको गेम प्ले के दौरान, गेम खेलने पर मिल सकती है या फिर आपको लॉग इन करने पर भी मिल सकती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की ओर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, सरप्राइज इनकमिंग। इनकमिंग में आपको दिवाली के रिंग देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि
कि गरीना किसी भी स्पेशल ओकेज़न पर हमें सरप्राइज़ के तौर पर पुराने बंडल ही रिटर्न करती है, तो इस बार ज़्यादातर चांस है पुराने लाइट पास आने के और क्रिमिनल्स बंडल आने के। और हाँ, आपको डायमंड रॉयल पर 3-4 दिन के बाद 50% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, इसलिए जिसने भी स्पिन करना है अभी स्पिन ना करे, 3-4 दिन रुक जाए, उससे आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। वैसे भी मुझे तो ये खास लगा नहीं कुछ लड़की का बंडल, और ये वेपन रॉयल में ये शॉटगन की स्किन आई है और ये AWM की स्किन आई है। और यहाँ पे भी देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे फार्मर्स रिटर्न हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पेशल ओकेज़न पर बंडल्स और पुराने लाइट पास आ सकते हैं, जिस तरह ये बनी रिटर्न आया हुआ है। आप देख ही सकते हैं ये बनी कितना रेयर है और बनी एम पी होटल कितनी रेयर है। ग्रीन इसे वापस रिटर्न ला सकती है, तो स्पेशल ओकेज़न पर दिवाली पर आपको ये लाइट पास और क्रिमिनल बंडल भी देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।